आगे सर या तो भूखे मर जाएंगे यहीं पे, कोई ना कोई सरकार से गुजारिश है कि हमें या तो आके यहाँ गोली मरवा दे, सरपास की गोली दे दे, कुछ भी करे, मार दे, मरने का हक दे दे, बस मरना तो यहीं जाएगा। और हम या तो नेताओं से भी से यही कहेंगे कि आप लोग जो हमारे साथ कर रहे हो, कोई भी जो कर रहा है, हमें सब दिख रहा है। और मैं कड़े शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इस चीज़ का ब्याज समेत वापस किया जाएगा। गरीब का कौन साथी, बड़ा बूढ़ा कहते हैं भाई, गरीब की बहू सब की भाभी, अठाठा की बहू सब की दादी, तो हमारे साथ तो हो रहा है। यूनियन जिंदाबाद का, यूनियन जिंदाबाद, हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, का यूनियन जिंदाबाद, रंदर कोशिश जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आज तो इनके साथ हूँ भूख हड़ताल पे, दो तीन दिन का समय और देते हैं प्रशासन या सरकार को। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन से तो क्या उम्मीद है, ये सरकार जो है ये चोरों का राज है, यहाँ किसी प्रकार की कोई गरीब की सुनाई नहीं है। व्यापार मंडल जिंदाबाद, 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 खोखा यूनियन जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता, सरकार का आदमी होता, सरकार को चंदा देने वाला होता तो उनका प्रतिष्ठान नहीं टूटता। ये गरीब आदमी थे, इन्होंने किसी ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना रखी थी, किसी ने खोखा बना रखा था, इनको तोड़ने का काम किया, बशर्ते कि ये न तो गैर इरादतन, न गैर जिम्मेदारान, न ही इन्होंने कोई कब्जा कर रखा था, न ही कोई इन्होंने ज़बरदस्ती से अपनी दुकान बना रखी थी। ये नगर पालिका को किराया देते थे। 85 से वो पर्ची हमने इनकी देखी है, कंटिन्यू किराया दे रहे, बिजली का कनेक्शन इनका, और तो और क्या, जो ये प्रॉपर्टी आईडी थी उनके भी सम्मन इनके पास आए हुए हैं कि 15,000 रुपये आप जमा करवाइए, और एक तरफ इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये 30 दुकानें तोड़ी हैं, आगे भी प्रशासन की तैयारी है, कम से कम भी तो 150 ये दुकानें और हैं तुलाराम चौक तक ये तोड़ेंगे, करीबन हजारों आदमियों को ये बेघर करने का काम करेंगे। पहले ही न व्यापार है, न किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था है, लोग नौजवान है वो बेरोजगार होता जा रहा है, हजारों आदमी बेघर हो जाएंगे। तो ये सरकार तो बेघर करने की सरकार है, ये सरकार किसी को बचाने की सरकार नहीं है। इस सरकार की एक ही मंशा रहती है कि रोडों को ना, लोगों को सड़क के ऊपर ले आया जाए और वो हमारी जय जयकार करते रहें, ऐसी इस प्रकार की इनकी मंशा है। शुरुआत वाले दिन आप आए थे, 3-4 घंटे यहाँ रहे, तब तक आपने रोक के रखा, लेकिन उसके बाद सारी दुकानें एक करके एक करके तोड़ दी गई। जब मजबूत और दबंग आदमी जब सामने दिखाई देता है तो फिर तोड़ने का काम नहीं होता है। मैं जब इनके पास खड़ा था, मैंने एक बात कह दी थी कि जब पहले ये आपकी JCB चलेगी, पहले मेरे सर के ऊपर चलेगी। मैं 3 घंटा बैठा रहा, प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि इनकी दुकान को या इनको हाथ लगा दें, पर मेरे को किसी इमरजेंसी में, पहले इन दुकानदारों को पता था कि मेरे को जाना है, 3 घंटे बाद में मैं गया था,
और मेरे जाने के बाद में इन्होंने रात के अंधेरे में इनको बेघर करने का काम किया है प्रशासन। अभी प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं जी? प्रशासन से तो क्या उम्मीद है, ये सरकार जो है ये चोरों का राज है, यहाँ किसी प्रकार की कोई गरीब की सुनाई नहीं है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई ये आदमी बिल्कुल अपनी जगह पे सही बैठे थे, पहली बात तो इनको यही जगह दी जाए। अगर दूसरी जगह कहीं इनको जगह दी जाती है तो वो भी ऐसी जगह इनकी जगह दी जाए जहाँ इनका व्यापार चले कोई, और स्थाई रूप से इनको इनकी जगह दी जाए और इनको पक्का बनवा करके दिया जाए ताकि जो उजड़ा हुआ घर है वो दोबारा बस सके। सर मार्केट में काम हो रहे हैं, नगर पालिका एसडीएम साहब के हाथ में है, तो सौंदर्यकरण के काम किए जा रहे हैं, रोड नहीं बनाए जा रहे, डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। अब ये तो मेरे से तो आप बहुत सियाने हो और भाई पत्रकार भी हो, रोजाना आप देख भी रहे हो किस प्रकार के पाइप लग रहे हैं, क्या शहर में सौंदर्यकरण हो रहा है, शहर में किस प्रकार की सरकार यहाँ पे क्या कर रही है वो सबको पता है। यहाँ तो एक ही बात चल रही है बस कि पैसे को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, बस वही सिस्टम है, सौंदर्यीकरण तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। तो आज आप भी भूख हड़ताल पे हैं? मैं आज तो इनके साथ हूँ भूख हड़ताल पे, दो तीन दिन का समय और देते हैं प्रशासन या सरकार को, अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और वो विरोध प्रदर्शन ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा कि उसमें पूरे इस इलाके को जगाने का काम करेंगे। देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन खोखे के व्यापारी भाइयों से बड़ी नाजायज बहुत गलत हुआ है और ये भाजपा नेताओं की इनके प्रति मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ही अपनी दोगली नीति से इन लोगों का, इन व्यापारी भाइयों का जो है धोखा तोड़ने का में इनका पूरा हाथ है और ये इनको तंग करके दोबारा जो है इनको खोखा दिलाने का ये जो अपना कह रहे हैं भैया खोखा दिलाएंगे, ये चिट्ठी भाई भाई लौटने का काम कर रहे हैं। यदि इनकी नीयत साफ हो तो ये कोई गलत बात भी नहीं है कि खोखा ना मिले, इनको दुकान मिल सकती है, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। क्या कहेंगे प्रशासन को, तो गेट मोसना कर रखा है जी हमारा प्रशासन, ऐसा तो तालिबान भी नहीं करता किसी के साथ। जैसे हमें उजाड़ा गया आप लोगों ने सब ने देखा है, हमारे खोखे भरे हुए सब सामान, हमारे जो रोटी रोजी का रोजगार था वो सब तोड़ फोड़ दिया। ये ऐसा काम कराया सरकार ने जैसे दूसरा देश पे हमला करके कर रहे हैं ना, आप जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं ऐसे हमें उजाड़ दिया गया, हमारी कोई अवस्था नहीं छोड़ी, हम कहीं अपना रोटी रोजगार कर लें इस उम्र में, हम कहीं जाने के भी नहीं लिए। जैसे तहसील ये एसडीएम साहब ने हमें उजाड़ा है, ये भी ये नौकरी पर ही इनको हटा के भेजे, इनको पता जब चले क्या होता है इनके साथ, इनको हटाया जाए, इनको पता चले इसको सुक्का भेजे, जब हमारा क्या दोष है, हमको नाजाज बैठे थे, हमें कमेटी ने बैठा रखा था, हमारे बिजली बिल थे, हमारे किराए की रसीद भी है भाई कमेटी के द्वारा, हम वैसे तो बैठे नहीं थे, हम कोई आर्ट नहीं कर रहे थे भाई हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट भी करी थी अगर जनाब हमें यहाँ से हटाते हो तो हमें कभी और जगह दो, कहीं तो हमारे गुजर बसर करें, कहाँ जाएं हम आगे, रणनीति ये है जी हमारे साथ नहीं करा था कि हम और बड़ी कार्रवाई बैठाएंगे। ये देखो जी मैं तो अपाहिज हूँ, वैसे मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, मेरे को लैट्रिन बाथरूम का पता भी नहीं चलता और कहीं मजदूरी करने लायक भी नहीं हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मेरे को थैली लगी हुई है, नहीं तो लैट्रिन बाथरूम का कुछ नहीं पता चलता मेरे को, और मेरे को कोई आय का साधन नहीं है। मौके पे भी दिखा दिया था, कोई सुनाई नहीं हो रहा जी। हाँ जी मेरे वहाँ भी धक्का मारा गया, जब बाद मेरे काफ़ी दर्द रहा रीढ़ की हड्डी में, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो प्रशासन कहीं सुनता हो थोड़ी घनी भी दया धर्म उनके दिमाग में हो, या गरीबों की आय से बचना चाहता है तो हमारी सुध ले, बद्दुआ लगे कि किसी को मार के वो करोड़पति नहीं बुनेंगे, हमारे पास है क्या लेन में, हमारे तो खोखे वासी थे अपने गुजर बसर कर रहे थे, हम बच्चों को क्या खिलाए हम बताओ आप। इतने
हमारा तो बुजाड़ दिया, हमें तो कहीं जोगा नहीं छोड़ा। आज 15 दिन 16 दिन हो गए, हमें तो खाने के लिए लाला पड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएं। हमने 150 भेड़े करके मजूरी करके खा रहे थे, बताओ किसी की थाली में से रोटी थोड़ी घोस रहे थे हम। डाका मार रहे 15 दिन में कहीं कोई अधिकारी यहाँ पे आया हो? नहीं जी, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई सीधी नहीं ले रहा। उनको पता इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, इनके आगे पीछे नहीं है, कौन है फिर गरीब का कौन साथी। बड़ा बूढ़ा कहते हैं भाई, गरीब की बहू सब की भाभी, ठाठा की बहू सब की दादी, तो हमारे साथ तो हो रहा है, हमारे आगे पीछे सरकार कोई नहीं है। ये तो आप पत्रकार है जो थोड़ी घनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जो खबर जाते हो आपका बड़ा बड़ा तहे दिल से धन्यवाद है। और प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है बार बार, अगर हमारी सुध लीजिए ना, आगे कोई बड़ा कार्रवाई होगी वो आपको जिम्मेवारी भुगतनी पड़ेगी। हमारी जान माल जो भी होगी वो आपकी जवाबदारी होगी, कल हम मरेंगे जो होगे वो आपकी जिम्मेवारी होगी। हाँ जी जी माता जी, यहाँ बैठे तो आपका भी खोखा था यहाँ? मेरा तो रेंट का है जी, जी? तो अस्त का किराया भर रखा है मैंने, किराया भर रखा है। और मैं, मेरा कैंसर है। अच्छा, मैं जयपुर गई हुई थी 27 तारीख को। अच्छा। और 31 को मेरी दुकान हटा दी गई, ना मेरे को नोटिस दिया गया ना। और जिस दिन से दुकान हटी तब से मेरे से खाट में नहीं उठा जा रहा। अभी मतलब आप यहाँ थे नहीं, डॉक्टर के पास गए? हाँ। पीछे से सारा सामान उसी में था, सामान सुन सब गए, मेरे खो खोई बने। अच्छा, तो आपने प्रशासन के जी, आपने अधिकारियों के पास जाके कोई बातचीत की? मैं कर रहा हूँ, मेरे से सामने तो बुलाता ही कौन जाए, अधिकारी का तो जब जाऊँ ना मेरी। यहाँ कोई अधिकारी आया हो इस बीच? तो अभी कितना क्या कुछ सामान था अपने? 5 लाख रुपया का सामान था, मेरा हार्डवेयर की दुकान थी। 5 लाख का सामान था, बढ़िया बड़े सब फुल। अच्छा, तो अभी क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करूँगी मैंने, मेरे भाइयों चाहिए और मेरे मुआवजा चाहिए, मैंने सामान लेके खाऊंगा। अपनी जगह चाहिए और उसमें सामान था, उसके पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा? महेंद्रगढ़ से ही हो? कौन से मोहल्ले से? ऐसा है जी, हम एक गरीब तबका है, गरीब आदमी है, हमें ना तो ज़्यादा राजनीति करनी आती ना हमें पता, हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ की राजनीति आती है, पेट की। हमारे पेट में भूख है, हमारे पेट में अन्न नहीं है, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं। तो हमें सरकार प्रशासन से काफ़ी गुहार लगा ली, लेकिन हमारी सरकार प्रशासन पक्ष विपक्ष से कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने, जब हमारे पास दाना था रोटी थी तब तक तो हमने खाई, उसके बाद हमने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर पर राशन खत्म हो गया। और अब जैसे कि हम सांकेतिक भूख हड़ताल चला रखा है, तो दो दो आदमी हमारे डेली भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। और आज सुरेंद्र कौशिक ने जिस प्रकार से हमें समर्थन दिया है, उनके बहुत से साथी भाइयों ने और माताओं ने, बहनों ने, बहुत से शहर के अंदर बुद्धिजीवियों ने, सभी ने हमें जो सहयोग दिया, उससे हमें ये आशा है कि भाई आगे शहर के अंदर और सहयोग मिलेगा। और सभी प्रकार से दुकानदार भाई भी हमारे साथ हैं, और सभी मिल के एक दो दिन में या 3-4 दिन में हम एक बड़ा उस चीज़ के अंदर सोचेंगे। शहर के लोग हमें जिस प्रकार से राय देंगे, हम सभी मिल बैठ के इस चीज़ में निर्णय लेंगे कि आगे के हमें क्या करना है। आज कौन सा दिन है धरने का? 13वां दिन है। जिला प्रशासन से मिले होगा? जिला प्रधान डीसी साहब से भी मिले हैं, उनको भी ज्ञापन दिया है, और सरकार के आदमियों को रामविलास शर्मा को भी मिले हैं, उनको भी मिले हैं। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भूपेंद्र यादव जी ने आश्वासन दिया है, और धर्मवीर सांसद जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि मैं सीएम से मिलकर बात करूँगा। विपक्ष के नेताओं से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन से। हालिया विधायक ने क्या कहा? हालिया विधायक ने भी यही कहा कि आप अपने कागज वगैरह दीजिए, मैं सीएम से टाइम लेके आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, कहीं से कोई आश्वासन, सिर्फ झूठे आश्वासन चल रहे हैं। क्या कहोगे फिर नेताओं, सिर्फ झूठे आश्वासन मिल रहे हैं? हम या तो नेताओं सभी से यही कहेंगे कि आप लोग जो हमारे साथ कर रहे हो, कोई भी जो कर रहा है, हमें सब दिख रहा है, और मैं कड़े शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इस चीज़ का ब्याज समेत वापस किया जाएगा। तो इन्हें से पूर्व जिला प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, अभी जिला के सुरेंद्र कौशिक ने यहाँ पे समर्थन दिया, आज भूख हड़ताल पे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे साथ शुरू से ही है, और शुरू से तो खैर सभी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन हमारी दुकानें टूट रही थी उस दिन भी आके अड़े थे, और आए तो बहुत से नेता थे, लेकिन ऐसा है कि हम कहे तो उन्हीं से सकते हैं जो हमारे विधायक हैं या जो जिनकी सरकार है, अब इनसे तो हम क्या कहेंगे, ये तो भाईचारे के नाते हमारे बीच में बैठे हैं, भूख हड़ताल में साथ में बैठ गए। अब हम तो अपनी फरियाद या तो विधायक के पास ले जाएंगे या प्रशासन के पास ले जाएंगे, जो जिनकी हरियाणा सरकार है उनके पास ले जाएंगे या सीएम खट्टर के पास ले जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे बताओ।
और हमारा सुनने वाला कौन है? तो अभी ये भी नहीं सुन रहे, तो अभी क्या करेंगे आगे? आगे सर या तो भूखे मर जाएंगे यहीं पे, कोई ना कोई सरकार से गुजारिश है कि हमें या तो आके यहाँ गोली मरवा दे, सरपास की गोली दे दे, कुछ भी करे, मार दे, मरने का हक दे दे, बस मरना तो यहीं जाएगा और कहाँ जाएंगे। अभी लगातार दो व्यक्ति भूख हड़ताल पे हैं, तो आगे किस पर पूरे दिन भूख हड़ताल रहेगी या लोग बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा सर? इसका तो समय बताएगा, इसमें तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होने वाला, हमें खुद को ही नहीं पता, हमारे घर को ही नहीं पता। धरना तो लगातार चलता रहेगा? ये तो चलता रहेगा निश्चितकालीन सर, ये तो लगातार चलेगा। अच्छा, उस दिन रात को एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था बस या तो धर्मशाला के पीछे जगह दे देंगे, 50,000 रुपये दिलवा देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं? ऐसा है, मौखिक रूप से कोई कुछ भी कह देगा, जो जमीन किसकी है, कहाँ है, कौन बैठा देगा, कैसे बैठेंगे, ये तो एक मौखिक रूप से कहने का काम थोड़ी ना है कि भाई कोई उखाड़ के फेंक दिया और कह दो जाओ वहाँ बैठ जाओ। अरे कोई चीज़ लिखित में दो, कहीं बैठाओ, हमें कोई आश्वासन दो, तरीके से बैठाओ। हम ऐसे कैसे कहीं भी रात को कह दिया 9 बजे जाओ वहाँ बैठ जाना, अगले दिन किसकी ज़मीन है, कौन बैठने देगा? बिल्कुल, मार्केट में ये कहा जा रहा है भाई जिसके खोखे थे वो खुद नहीं, मालिक नहीं है, ये तो काम करने वाले हैं या किसी को किराए पर दे रखा था, ये कितनी क्या सच्चाई है इस बात में? सर ऐसा है, कहने को तो लोग कुछ भी कह दें, लेकिन मैं शहर के किसी भी नागरिक से ये अनुरोध करना चाहूँगा, कोई भी भाई के मन में कोई संशय हो तो यहाँ पर आए, कमेटी के द्वारा लगाई गई मोहर जिसमें सभी खोखे वालों का नाम है, सभी का रिकॉर्ड है, वो मेरे पास है, कोई भी आए और सभी आके ले जाए, और जो कोर्ट के अंदर पेश किए थे कमेटी ने, सभी के सभी 29 के 29 आदमियों का सभी का रिकॉर्ड है, सभी दुकानदार बैठे थे, सभी मेरे भाई, सभी उस पर विराजमान थे, सभी आज यहीं मौजूद है, कोई भी एक भी ये खोखा साबित कर दे कि किसी पार्षद का है या कोई MLA का है, पक्ष का है, विपक्ष का है, तो हमारी जिम्मेदारी से सभी गरीब लोगों के, सभी गरीब लोग, सभी गरीब लोग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।